आपने सुना ना डॉक्टर अजय कुमार, वो कह रहे हैं कि साहब हमारे नेता इस तरीके की भाषा तो नहीं बोलते, मौत, बोटी बोटी, कब्र, तमाम गिना रहे हैं सर वो बातें। जवाब दीजिए आप, क्योंकि कटघरे में आप खड़े हुए नजर आ रहे हैं सर फिलहाल। देखिए, पहली बात है कि झूठ बोलने के लिए इन्होंने ठेका ले लिया। आप शुरू करते हैं आजादी से, इनके जो पैतृक संगठन है आरएसएस, नथुराम गोडसे के बारे में इन्होंने क्या किया, जो जो लोग बोला प्रज्ञा ठाकुर से लेकर के इस देश के जो राष्ट्रपिता का हत्या करने वाले का मंदिर बना रहे हैं ये लोग, इन्हीं के अनुयायी संगठन के लोग, विश्व हिंदू परिषद महात्मा गांधी जी के बारे में क्या बोलते हैं, बीजेपी के लीडर क्या बोलते हैं, पहले माफी मांगिए सुधांशु त्रिवेदी जी कि राष्ट्रपिता के खिलाफ आप लोग अनाप शनाप बोल करके उनकी हत्या हुई थी आजादी के समय, उस वक्त नफरत आरएसएस ने बैन किया था। वही सरदार पटेल जिसको आप गले लगाने के चक्कर में रहते हैं, वही सरदार पटेल ने, क्योंकि आप नफरत का भाषा बोलते हो, ये लगातार ये दंगे कराने में आपके रिकॉर्ड जो है क्या बताएं। और विक्रम जी तो पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, सुअर का मांस इधर से फेंकवाना, बीफ का मांस, दोनों मुस्लिम कट्टरपंथी और आपके कट्टरपंथी में कोई अंतर नहीं है। मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट व्यूज एंड द व्यूज ऑफ द एक्सट्रीम, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग ने जो धर्म संसद में काटा कि काटो इसको, आप भाषा जो सुनिए, ये तमाशा है कि केटल कॉलिंग द पॉट ब्लैक। आप जो है अखबार डेटा बोलती है कि आप 75-80% नफरत की भाषा भारतीय जनता पार्टियों को उनके जो है संबंधित संगठन करते हैं, ये रिकॉर्ड है सर। मैं भी वो भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूं। आप नफरत फैलाते हो बिदुरी पार्लियामेंट में। विक्रम सर ने बोला, मैं भी उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूं सर, लेकिन ये हकीकत है ना, वो सहारनपुर वाले आप ही कांग्रेस पार्टी से ही चुनकर आए ना एमपी साहब, है ना सर, उन्होंने वो किसके लिए कहा था और क्या कहा था सर, वो बोटी बोटी वाला बयान, है ना सर, मैं नहीं दोहराऊंगी सर, मैं वो अपनी जबान पर नहीं लाना चाहती हूँ बयान, लेकिन जो इस तरीके का बयान देता है उसे टिकट देते हैं आप लोग सर, उसको संसद में पहुंचाते हैं, और यहाँ पर बैठकर आप नाथुराम गोडसे और प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहे हैं, तो उनका तो टिकट कट गया सर इस बार। नहीं तो एक मिनट रमन जी आइए ना, जवाब दीजिए, कैन आई कंप्लीट वन सेक, ओके, जब इमरान मसूद का जो बोला है अत्यंत ही कंडेमनेबल है और उनके ऊपर हम कभी सपोर्ट नहीं करते। राहुल गांधी ने जो स्मृति ईरानी के खिलाफ जो बोल रहे थे, उस वक्त आपका टीवी चैनल में कार्यक्रम नहीं चलता है क्या? स्मृति ईरानी के बारे में जो भाजपा जो कांग्रेस के लोग बोलते, राहुल गांधी ने जो टोका था, राहुल गांधी ने कब इस्तेमाल किया किसी हिंसा का शब्द का? वो पॉलिटिकली विक्रम जी ने तो उसको ट्विस्ट कर दिया, अपने जगह पर है। आप बताइए कौन से कार्यक्रम में अभी तक आपको लग रहा है इमरान मसूद का गिरिराज? एक मिनट सुनिए, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, यू आस्क माय क्वेश्चन, आई वांट टू आस्क यू, गिरिराज सिंह, एक मिनट, अरे मुझे जवाब तो देने दीजिए, गिरिराज सिंह जी ने सोनिया के बारे में क्या कहा? वो ठीक था, हाफ ब्रीड, 50 करोड़ गर्लफ्रेंड, विधवा, कोई दिक्कत है? कब्रिस्तान में मंगलसूत्र, ये सब जो है प्रधानमंत्री जी रोज बोलते हैं, कोई दिक्कत है? मेरा इतना ही कहना है, जिस प्रधानमंत्री का देश का जो है अलग जो है उसी देश के नागरिक के खिलाफ इस तरह का भाषणबाजी करते हैं और बोलते हैं हम नफरत ही नहीं फैलाते हैं, हमारा कहना है कि हम करें या वो करें वो कंडेमनेबल है, बट ये कौन कर रहा है? अनुराग ठाकुर गोली मारो, परवेश वर्मा दुकान को जो इनको बॉयकॉट करो, कोई कार्यक्रम नहीं? मेरा कहना है कि 14 से पहले हम सांसद थे, उससे पहले 14 से पहले आप देख लीजिए जो राजनीतिक भाषा था, राजनीतिक भाषा खराब क्यों हुई? नरेंद्र मोदी, आप बताइएगा कि इस देश का एक ही व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जिम्मेदार है? सुधांशु जी बोलिए, 14 से पहले पार्लियामेंट में कैसे बहस होती थी सर? फिर उस वक्त वाजपेयी जीते, अडवाणी जीते, सुषमा स्वराज जीते, बेहतर याद दिलाएंगे सर मौत का सौदागर वाला बयान, ठीक है ना? अभी आप यहाँ पर जो बात कर रहे हैं सर कि आप बिल्कुल सहमत नहीं हैं, दूसरा याद दिला देता हूँ सर, मेरी बात मैं दूसरा दिला देता हूँ सर, फिर सवाल तो यही है कि जबान से निकली बात और वो कहते हैं ना कमान से निकला तीर वो वापस तो नहीं लिया जा सकता है, अब वो बोटी बोटी वाला जो बयान है सर उसको लेकर आपको जवाब देते बन नहीं रहा है, यहाँ सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक तरफ वो बयान ज्यादा करेंगे क्या, आप डेरोगेटरी वाले बयान कर रहे हैं, लेकिन कंडेम करने से काम नहीं चलेगा ना सर, यही से तो बात आगे बढ़ रही है, इसी वजह से तो वो लेख विक्रम सिंह जी तो अनुराग ठाकुर को क्या कर रहे हो? अनुराग ठाकुर का क्या कर रहे हैं बताइए? नहीं नहीं, यू आंसर मी दिस, अनुराग ठाकुर वाज अ मिनिस्टर, नो वन सेक, अनुराग ठाकुर वाज अ मिनिस्टर, मिनिस्टर था ना, आप क्या डिमांड करें उनसे? दूध का दूध पानी का पानी, वही डिमांड कीजिए इनसे सर, कोर्ट केस में क्या हुआ उसमें? अमित शाह से डिमांड कीजिए जवाब, दूध का दूध पानी का पानी, कोई दिक्कत नहीं है, वो बिल्कुल बराबरी पर रख रहे हैं दोनों मामलों को, अनुराग ठाकुर का क्या, आप पूछिए अनुराग ठाकुर का बर्खास्त कीजिए, बोटी बोटी अभी भी एमपी है, निकालिए उसको, जवाब ले रही हूँ हम, निकालने को आप निकालिए, ठीक है, वो कह रहे हैं अनुराग ठाकुर को आप निकालो, हम इमरान मसूद को निकालेंगे, यही डील दे रहे हैं ना आप बीजेपी के लिए, है ना डॉक्टर अजय कुमार, यही डील है, बात सुनिए,
मैं तीन फैक्ट, मैं जनता के सामने फैक्ट रख देता हूं। अजय कुमार जी, जानकारी नहीं है तो कर लीजिए जाके। जब इमरान मसूद ने बोटी बोटी का जब बयान दिया था तब वो समाजवादी पार्टी में थे, इसके बावजूद उसके नेक्स्ट डे राहुल गांधी उनका प्रचार करने गए और उनको हाथ जोड़ के अपनी पार्टी में लाके वाइस प्रेसिडेंट बनाया। ऐसे बोलने लगते हैं जैसे किसी को कोई जानकारी नहीं है। मना महोदय, मैं एक और बात बताना चाहता हूं, मैंने फिर कहा वीडियो दिखाइए जहां पर की गोली मारने की बात कही हो अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर ने सिर्फ कहा देश के गद्दारों को, और अगर इस पे आपत्ति है तो राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। इस पे किंतु परंतु कोई स्कोप नहीं है। 5000 सरदारों का कत्लेआम होने के बाद प्रधानमंत्री कहता बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, लिया था इस्तीफा अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर की बात कह रहे हैं राजीव गांधी से। और मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं, आप लोग सुरक्षा के साथ क्या खिलवाड़ करते हैं। देश के इतिहास का एक नहीं दुनिया के इतिहास का अद्भुत नमूना है इशरत जहां केस। इशरत जहां को पहले आतंकवादी माना गया आपकी सरकार में, सीबीआई और आईबी दोनों ने, जैसे ही पता चला इशरत जहां मोदी जी की हत्या के लिए जा रही थी सीबीआई ने अपना हलफनामा बदल दिया। यू टर्न लेने के उदाहरण भारत की नहीं दुनिया की राजनीति में, इन्वेस्टिगेशन में नहीं मिलते। और उससे बड़ी बात, आईबी ने अपना स्टैंड नहीं बदला। यानी विक्रम सिंह जी बताएंगे, दुनिया में इकलौता उदाहरण है जब एक ही सरकार की दो एजेंसीज एक ही पर्सन के लिए दो डाइवर्जेंटली अपोजिट बात कह रही हो। आईबी पहले कह रही थी इशरत जहां आतंकवादी है, सीबीआई कह रही थी आतंकवादी है, आईबी अब भी कह रही थी आतंकवादी, सीबीआई कह रही नहीं आतंकवादी। तो जब हमारी सरकार आई तो फाइल गायब थी अजय कुमार जी, फाइल गायब थी इशरत जहां मामले की। इसलिए, और आपने महात्मा गांधी की बात पे कहां कहां भाग के चले जा रहे हैं। आज सिक्योरिटी का इशू है तो मैं कह रहा हूं अजय कुमार जी, बच के मत भागिएगा, बताइएगा नाथूराम गोडसे आपका संगठन का था कि नहीं। 13 जनवरी 19, अरे बताओ ना पहले, आरएसएस का था कि नहीं, सुनिए उसमें मदद ला, अरे भाई साहब सुधांशु त्रिवेदी जी आरएसएस का था कि नहीं, नाथूराम गोडसे के रूप में बोलो, सरकार को लिखा हुआ था, अरे कितनी नाथूराम गोडसे आरएसएस का था कि नहीं, जब आप दोनों बोलेंगे पहले उनका परिवार के आप डिनाई क्यों करते हो सुधांशु जी, ये अच्छी बात नहीं है। डॉक्टर अजय कुमार, इस समय ऐसा लग रहा है जैसे आप जवाब देने के बजाय नाथूराम गोडसे की ढाल बना रहे हैं सर, उनके पीछे आप छुपना चाहते हैं। जो आज के सवाल है उनको लेकर आपके पास जवाब नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। इनके परिवार एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।